सब ठीक हो? अज असी बना लगे हाँ जी झटपट जड़ा है ना क्विक देगी कौरमा, तो वो रैसिपी थोड़े ना शेयर कर दें। तो यह दही तुम ले लो, एक देचकी पा लो। तो यह असल जो मेरी रैसिपी नहीं है, मेरे हस्बैंड की रैसिपी है। ही गोश्त पा दो, सब कुछ एक नाल सुट देना वे, ठीक है। तो फिर जी मसाले सारे, काली मिर्च, तीन इलाचियाँ, तीन लौंग पा दो। उस तो बाद ऑयल यूज़ करेंगे इसके साथ हम। कुकिंग ऑयल पा दो। कुकिंग ऑयल पाने तो बाद जी तुसी विच पाना वे दो चम्मच खुश्क धनिया, रेड मिर्च ते नमक, एनी विच पा दो। सारा कुछ इकट्ठा पा देना, इकट्ठा पा के ते पका लेना। बहुत आसान रेसिपी है। हाँ जी, ए भी लसन ए भी पा दो। बस आज बहुत आसान रेसिपी है, बस इन्हों मिक्स कर लो जल्दी जल्दी, फटाफट मिक्स करके चंगी तरह डोइयां शोइयां मार लो। डोइयां शोइयां मार के मिक्स करके चंगी तरह, तो जी जी चूल्हा जला दो थले, तकरीबन थले मीडियम फ्लेम तो इन पकाना वे। मीडियम फ्लेम तो इस वास्ते पकाना है ताकि थोड़ा गोश्त गल जाए, तो चंगी तरह जो मसाला है ना बोटियां बेच ना वड़ जाए। हाँ जी, तो एवे खो एक उबाला आ गया फुल आँच ते करके, तो हूँ तुसी ना उत्तों इनू दम दे देना। दम दे के तकरीबन तुसी 15-20 मिनट भुल जाना है। ए वेखो भुल गए सी असी 15-20 मिनट वास्ते। हाँ जी, हूँ विच तुसी पाना वे प्याज, ब्राउन प्याज फ्राई हुई, ठीक है। बड़े आसान मिल जाती है ब्राउन प्याज फ्राई हुई। तो हूँ इन मिक्स करो, मिक्स करके चंगी तरह चमचा चमचा मार के, तो उत्तों फिर कवर कर दो। हाँ जी, ये फिर कवर हो गई। तो हूँ फिर तकरीबन मेरे ख्याल चो रेडी है। ऐ वेखो असी तकरीबन फिर इनू खोलिया वे कोई 10 मिनट बाद, तो वेखो कितना खूबसूरत कलर आया वे, तो कितना मज़ेदार लग रहा वे। तो यकीन करो अद्धे घंटे विच ना, अद्धे घंटे दी रेसिपी है। तो सारे मसाले पा के तुसी इन रख देना, अद्धे घंटे विच रेडी हो जाना वे। तो तुसी जरूर ट्राई करो, सन दसो किंज दी बनी है। मैं तो हुण खाण लगी हाँ, तो ता ही पता लगेगा। अपना ख्याल रखो, बाय बाय।